फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सखी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बासुंदी बनाने सिखा रही हूँ। इसे गुजरात में बासुंदी के नाम से जानते हैं और हमारे यहाँ इसे दूध पकौड़ी बोलते हैं और इसे आप मिनी रसमलाई भी कह सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई होती है। तो आइए देखते हैं इसके बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान। ये मैंने एक बाउल चीनी ली है, इसमें मैं आधी पानी में डालूंगी और आधी दूध में पड़ेगी। और ये मैंने दो इलायचियों को क्रश कर लिया है। ये मैंने बादाम थोड़े से और चिरौंजी लिए हैं जिनको मैंने कट कर लिया है। और ये मैंने कुछ केसर के धागे जिसे मैंने दूध में पहले से ही भिगो के रख दिया था। और मैंने फ्रेंड्स 1 लीटर दूध लिया है, 1 लीटर दूध लिया है। तो इसमें से आधे आधे को हम गाढ़ा करेंगे और आधे के हम छेने की गोलियां बनाएंगे। तो ये मैंने आधा आधा दोनों भगोनियों में कर लिया है। अब गैस को ऑन करते हैं। इस वाले दूध को, आधे दूध को तो हम गाढ़ा होने के लिए रख देंगे और आधे दूध को हम उबाल लेंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा इसे हम नीचे उतार कर इसमें साइट्रिक एसिड और चाहिए 1/4 चम्मच। मैंने साइट्रिक एसिड लिया है, ये ऐसा दानेदार होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह का दानेदार होता है, ये आराम से ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाता है। तो इसको मैंने पीस लिया था और पीस कर इसमें हम 2 चम्मच 3 चम्मच पानी मिला लेंगे। तो इससे हम छेना बनाएंगे। ये मैंने सिट्रिक एसिड में पानी मिलाकर तैयार कर लिया है। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है तो आप नींबू के रस को निकाल लें और उसे छान लें एक चलनी में और उस नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूध में फ्रेंड्स उबाल आ चुका है, गैस को करते हैं बंद। और हम दूध को उतार लेंगे। ये दूध हमारा बहुत गर्म है तो पहले हम इसको 80% तक ठंडा करेंगे। तो ठंडा करने के लिए क्या करेंगे, ये 1/4 कटोरी मैंने इसमें पानी डाल दिया है। इससे क्या होगा कि हमारे दूध का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। अगर आप गर्म दूध में ही इसको सिट्रिक एसिड को या नींबू को डालते हैं तो क्या होगा कि हमारा छेना टाइट हो जाएगा। छेना हमें सॉफ्ट चाहिए। अब ये हमारा 80% तक गर्म है दूध। अब इसमें हम धीरे धीरे सिट्रिक एसिड डालकर इसको दूध को फाड़ेंगे और चलाएंगे। पहले जब हमारा दूध फट जाएगा तो सिट्रिक एसिड डालना हम बंद कर देंगे। ये फ्रेंड्स देखिए दूध फट चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा छेना तैयार हो चुका है। अब मैंने लिया है एक सूती महीन कपड़ा और नीचे मैंने लगा लिए चलनी, चलनी के ऊपर रखा है कपड़ा। अब इसमें मैं छेने को डाल लूंगी। करेंगे हम इसमें, इसको हम थोड़ा सा पानी से हाथों की सहायता से धोएंगे छेने को, जिससे इसलिए धोते इसलिए हैं जिससे कि हमने जो इसमें खटास, जो सिट्रिक एसिड खट्टा होता है उसकी खटास अच्छी तरह से निकल जाए। अब हमें इसे बहुत अच्छी तरह से निचोड़ना है छेने को। Thank you.
इसमें छेने में पानी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल हमारा छेना सूख जाना चाहिए। आधे दूध को मैंने उबालने के लिए रख दिया था, जो मैंने भिगोया हुआ केसर है वो केसर मैं इसमें डाल दूंगी। केसर से बासुंदी में बहुत ही बढ़िया कलर आता है। और इसमें से मैं थोड़ी सी जो मैंने मेवा काट के रखी है वो डाल दूंगी, और थोड़ी सी हम गार्निशिंग के लिए छोड़ेंगे। और दूध को हमें इसमें से हमारा आधा रह जाना चाहिए तब तक हम पकाएंगे। बहुत ज्यादा गाढ़ा दूध नहीं करना, बासुंदी में हमें दूध को ज्यादा गाढ़ा नहीं करना होता है। दूध हमारा उबलना है तब तक हम छेने को देखते हैं कि छेने में से हमारा पानी निकला है या नहीं। देखिए अभी भी पानी निकल रहा है इसमें से, इसको बिल्कुल कस के दबा के निकालना है। आप चाहें तो इसे आधे घंटे के लिए किसी बजन से दबा के रख सकते हैं जिससे इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। बहुत कस के दबा दबा कर निकालना है। देखिए फ्रेंड्स अब छेने में बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल सूख गया है। अब रखती हैं मैं कढ़ाई, मैं कढ़ाई रख रही हूँ। आप एक भारी तले की भगोनी भी रख सकते हैं, स्टील की भगोनी रख के। और बिल्कुल भगोनी आपकी भगोनी या कुकर आप जो भी रखें बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसमें हल्दी वल्दी के निशान नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये बेकार हो जाएगी। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल दूंगी। जब तक हमारा दूध को भी चला देंगे, दूध भी हमारा गाढ़ा हो रहा है। और इसमें डालेंगे हम, ये मैंने पौन बाउल चीनी ली है तो इसमें से आधी चीनी डाल देंगे इसमें, और इसमें उबाल आने देंगे। ये जब तक हमारे पानी में उबाल आता है, इस छेने को हमें हथेलियों की सहायता से मैश करना है। इसे हमें 5-7 मिनट तक करीब हथेलियों की सहायता से मैश करना है। फ्रेंड्स इस छेने को मैंने 5-7 मिनट तक अच्छी तरह से मसल लिया है और ये बिल्कुल चिकना हो चुका है, खोए जैसा हो चुका है। अब इसमें से हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ेंगे और इनकी गोलियां तैयार करेंगे। पानी में भी हमारे उबाल आने लगा है। इस तरह से मसलते हुए हमें गोलियां तैयार करनी है, इसमें गोलियों में क्रैक ना रहे। इसी तरह से हम सारी गोलियां तैयार कर लेंगे। ये बासुंदी की गोलियां छोटी छोटी बनती हैं, ये बासुंदी छोटी होती है तो इसे छोटी छोटी गोलियां ही बनाएं। इसकी गोलियां छोटी छोटी ही बनाएं क्योंकि ये पानी में जाके फूलती भी है। फ्रेंड्स ये सभी गोलियां बनकर मेरी तैयार हो चुकी हैं और पानी में उबाल आ चुका है। आप देख सकते हैं पानी में काफी उबाल आ रहा है। अब इन गोलियों को हम एक एक कर पानी में छोड़ देंगे। और ये ढक्कन से हम ढक देंगे और 10 मिनट तक इसे हम पकने देंगे। 10 मिनट बाद हम इसे खोलकर देखेंगे जब तक हमारा ये दूध भी गाढ़ा हो रहा है। फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी मिठाई है, इसमें कोई भी बिल्कुल घी का यूज नहीं होता है। आप बड़े आराम से इसे खा सकते हैं। त्योहार के ऊपर घी खाकर कोई बहुत ज्यादा घी नहीं खाना चाहता है तो ये मिठाई आप बनाकर खा सकते हैं।
फ्रेंड्स देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए ये मेरे जो मैंने छेने की गोलियां डाली थी ये फूलने लगी हैं। अभी इसको ढक देते हैं, अभी हमें ढककर इसे और पकाना है। ये अभी पकने में टाइम है, हमारी पकौड़ी और फूलेंगी, अभी इनको पकने में टाइम है। तो करीब टोटल इसमें 20 मिनट करीब लग जाते हैं, जब तक हमारा दूध भी गाढ़ा हो जाएगा। दूध भी हमारा यहाँ गाढ़ा हो रहा है, देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आया है। और इसमें मैंने जो चीनी ली थी वो चीनी भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। फ्रेंड्स ये ढक्कन हटाकर देखते हैं, अब इसके हम हमारी चाशनी काफ़ी खोल रही है, इसके टेम्परेचर को थोड़ा डाउन करने के लिए हम इसमें एक एक चम्मच के करीब पानी थोड़ी थोड़ी देर पर डालते रहेंगे, जिससे इसमें बहुत ज़्यादा हीट ना पैदा हो। अब इसे फिर पकने देते हैं, 10 मिनट के लिए और पकाएंगे, उसके बाद हमारे ये रसगुल्ले ये जो पकौड़ी हैं ये तैयार हो जाएंगी। फ्रेंड्स 20 मिनट हो चुके हैं, आइए ढक्कन खोलकर देखते हैं ये हमारी पकौड़ी पकी है या नहीं। देखिए पकौड़ियों का कलर भी बदल चुका है और ये तले में नीचे जब पक जाती हैं तो तले में नीचे बैठ जाती हैं। ये हमारी जो पकौड़ी हैं नीचे बैठ गई हैं। गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हमने जो दूध बनाया था उस दूध में फिर हम इसे डालेंगे। फ्रेंड्स इन पकौड़ियों को मैंने बाउल में निकाल लिया है, अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर और ये जो हमारी पकौड़ियाँ हैं इसके ऊपर हम दूध को डाल देंगे। दूध में डालकर ये बहुत बड़ी अभी 3-4 घंटे के लिए इसे हम फ्रिज में रखेंगे, तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अब इस पर ऊपर से हम थोड़ी सी गार्निशिंग करते हैं। और इसे हम 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे, तब तक हमारी ये पकौड़ी दूध पी जाएंगी। फ्रेंड्स ये बांसुंदी बनकर बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी ये खाने के लिए रेडी नहीं है। इसको 3-4 घंटे के लिए कम से कम फ्रिज में रखिए, फ्रीजर में मत रखिए, फ्रिज में रखना है। उससे क्या होगा, ये जो पकौड़ियाँ हैं सारा ये जो दूध है दूध को एब्जॉर्ब कर लेंगी और फूल कर काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। फ्रेंड्स बासुंदी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप ये रेसिपी सारी मेरी फेसबुक पर भी देख सकते हैं। ऐसी और अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।